बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि ग्लाइकोजन के अंदर पॉलीसेकेराइड होंगे और अल्फ़ा 1-4 एंड अल्फ़ा 1-6 लिंकेज देखने को मिलेगा। तो ग्लाइकोजन इज़ अ हार्मोन, ग्लाइकोजन एक तरह का हार्मोन है डैट हेल्प योर बॉडी टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन अ टाइप ऑफ शुगर इन लीवर टू रिलीज ग्लूकोज इन टू ब्लड स्ट्रीम। वो कह रहे थे ग्लाइकोजन एक तरह का हार्मोन है जो हेल्प करेगा हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के ऊपर हेल्प करेगा। तो इसके अंदर ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होगी, ग्लाइकोजन होंगे छोटे छोटे मालिक्यूल में टूट जाएंगे। जब छोटे छोटे मालिक्यूल में टूट जाएंगे तो वो शुगर के मालिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिलीज होंगे, ग्लूकोज रिलीज होगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो आगे इसकी सेंसेस की बात करते हैं, इसमें दो तरह के प्रोसेस देखने को मिलेंगे, एक होगा ग्लाइकोजेनेसिस, एक होगा ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। एक ग्लाइकोजेनेसिस होगा, एक दूसरा प्रोसेस होगा उसको कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है इसके अंदर ग्लाइकोजेनेसिस की फॉर्मेशन होगी, बनेगा, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड। वो कह रहा है कि इसके अंदर ग्लाइकोजन बनेगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। तो जो दूसरा प्रोसेस है इसका नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज अ बायोकेमिकल पाथवे इन विच द ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। वो कह रहा था जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ये एक तरह का बायोकेमिकल पाथवे है, रास्ता है, जिसके अंदर जो हमारी ग्लूकोज होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट टूट के जो हमारा ब्रेक ग्लूकोज होगा वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन को फिनोमेना को हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो आगे इसकी बात करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस की डेवोल्यूशन पढ़ते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस इज अ स्टिमुलेटेड व्हेन सबस्ट्रेट अवेबिलिटी एंड एनर्जी लेवल आर हाई। वो कह रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस एक तरह कंडीशन है जो स्टिमुलेट करेगी, इसके अंदर जो सबस्ट्रेट की अवेबिलिटी होगी, एनर्जी का लेवल जब हाई हो जाएगा, इनक्रीज हो जाएगा, तो उस वक्त हम ग्लाइकोजेनेसिस देखने को मिलेगी। तो जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो कब देखने को मिलेगी, वेयर द ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज इनक्रीज व्हेन ग्लूकोज एंड एनर्जी लेवल आर लो। वो कह रहा है कि जब हमारी एनर्जी का लेवल लो होगा तो उस वक्त ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनक्रीज होगी ग्लूकोज में, जब ग्लूकोज में ग्लाइकोजिनोलाइसिस का लेवल इनक्रीज होगा तो जो एनर्जी लेवल जो होगा वो लो होगा, तो उस वक्त हम ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखने को मिलेगा। तो आज हमारा ये भी चैप्टर कवर हो गया।